आवडता पावा क्या ना अख्तर लावा सुमरा खान के इशी ना सुमरा हाँ हाँ बस 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 अच्छा तो आपको यहाँ पे जो है ना रामचक स्टूडेंट ज्यादा मिलेंगे ठीक है ना यार इस साइड के स्टॉल्स तो मैं भूल ही गया सब इस साइड पे भी चले जाएं ये क्या है दी मिरर ऑफ सोसाइटी मिरर ऑफ सोसाइटी आर्ट एग्जीबिशन लाइफ वेरी नाइस वेरी नाइस भाई इनके आर्टिस्ट कौन है मैंने आर्टिस्ट इधर भी बैठ खड़े हैं ये भी है अस्सलाम वालेकुम दीज आर लाइक यू नो माई पेंटिंग दीज एंड आई डू देम लाइक यू नो इट्स माई हॉबी राइट एंड एक्चुअली आई गॉट दिस फ्रॉम माई फादर तो कभी कभी करती हूँ थोड़ा सा आप लाइक यू नो मैनेज करता है करना पड़ता है स्टडीज के साथ तो अभी ये एक कॉम्पिटिशन आया था हमारे मिरर ऑफ सोसाइटी का तो इसमें मैंने ये बनाया था ठीक है और देन आई गॉट फर्स्ट पोजिशन तो और ये सारे भी इसी पीस वाला था पीस उसका तो उस पे हमने बनाई थैंक यू ये फुल इलेक्ट्रिक है भाई तीनों अब इसमें जो मसला नहीं इलेक्ट्रिक है ये भी सीसी के हिसाब से ही होती है नहीं नहीं अच्छा जी इसमें बैटरी होती है नहीं स्पीड वाइज कह रहा हूँ या इंजन कैपेसिटी वाइज कह रहा हूँ जिस तरह आप यू नो यू वन टू फाइव है ना उसमें बैटरी थोड़ी परफेक्ट लगी है ज़्यादा लगी है तो उस टाइम देती है माइलेज ज़्यादा देती है माइलेज वो ज़्यादा देती है माइलेज का फर्क होता है और ये जो है ना ये माइलेज उसके हिसाब से इतना कम नहीं देती लेकिन 70 थोड़ा सा कम मतलब उसमें बैटरी बड़ी है या वो है ना तो उसकी टॉप स्पीड क्या है टॉप स्पीड 85 तक जा सकती है टॉप स्पीड 85 तक जा सकती है और स्टार्टिंग प्राइसेस इसकी क्या है मसलन वो उसकी क्या प्राइस है इसकी स्कूटी जो है इसकी 160 है और इसकी बैटरी चलती कितनी देर तक कितनी ईयर्स तक ईयर 5 ईयर्स बराबर काम चले चले थैंक यू भाई शुक्रिया अच्छा अमेजोन कोर्स वाले भी मौजूद है एग्जॉटिक मिनरल्स नाइस क्रिस्टल्स वगैरह और स्टोन्स है मेरे ख्याल से भाई ये क्रिस्टल्स हैं या स्टोन्स हैं स्टोन्स हैं स्टोन्स में फिर क्रिस्टल और उसके से भी स्टोन्स अच्छा दा फ्लोराइड थी नेचुरल स्टोन थी दा दा माइंस दा रूती थी बलूचिस्तान और नहीं शहर दा ज्यादा फिर दा कब ऑनलाइन हाँ कब तक ये लगा हेलो हाँ माहिर नफ्सियत नाइस साइकेट्री वाले बंदे भी बैठे हैं सबके साइकेट्री में से सब चल भाई के पैसा कैसे बनेंगे ऐसे नहीं थोड़ी वेदाचे बाबा मी एन्जॉय की बरं सरोवर अच्छा भाई हमारा लोकल इनाम घर भी है यहाँ पे गेम टिकट 200-400 अच्छा इस पे रश भी बहुत है मेरे ख्याल से इनाम कुछ भी बड़े बड़े रखे हैं इन्होंने फ्रस्ट्रेशन कॉर्नर अच्छा इधर क्या सीन है भाई मटके वटके थोड़ दिए हैं उसे अच्छा नहीं यानी अब यहाँ पे जो स्टॉल है जिसका उसके सर पे तोड़ने ही है नहीं 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 वायलेंस को हटाने के लिए हम लोग ये आपके पास ऑप्शन है एक्स पे तोड़े सीआर पे तोड़े सास पे तोड़े अबे साले ये कुछ सोलर सिस्टम का सिस्टम भी है यहाँ पे
अच्छा प्रॉपर्टी वाले भी आए हैं, सही है। अच्छा ये वो उनका मुझे नहीं पता, वो एजेंट्स जो होते हैं बाहर भेजते हैं मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स को, उनका सीन है छोटा है भाई। अच्छा बॉडी काउंटरिंग, नो नाइफ, फेस लिफ्ट। अच्छा ये कुछ इतनी कॉस्मेटिक्स है कि क्या है, लीडिंग मेडिकल। अच्छा एशियन गोल्ड कमोडिटीज ट्रेडिंग। अच्छा ये कोई ट्रेडिंग है मेरे ख्याल से, सीन बता रहे हैं। एशियन गोल्ड कमोडिटीज स्काई मार्केटिंग। अच्छा मार्केटिंग वाले भी हैं, लैंड कलेक्शंस। ये माशाल्लाह से अच्छे हैं। भाई ये जिन्होंने बनाई है आपने बनाई है? अच्छा 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 भाई, तो ये इन्होंने, इन भाई साहब ने बनाई है। तो भाई मैं आपसे नहीं, माशाल्लाह से ये जो बहुत ही आई कैची है ना, मैं गुजर रहा था, मैं अंदर आ गया, इंटरेस्ट मेरा आ गया इस पर। तो आप मुझे ये बताएं मसलन, ये आप इसको अपना फ्यूचर प्रोफेशन बनाना चाहते हैं, यानी हॉबी है आपकी एक, यानी पेंटिंग और इसके रिलेटेड? फिलहाल तो मेरी हॉबी है, फिलहाल मेरा बस, मैंने अभी ईटा हुआ है महीना पहले। अच्छा इसलिए मैं फारे हो गया, तो बस मैं अपना टाइम इसी में चलाई। अच्छा गुड गुड गुड, चलिए आगे अब पता लगेगा कि क्या करना है। सही सही गुड, शुक्रिया। अच्छा दिल स्टूडेंट सोसाइटी, इनका क्या सीन है, क्या सीन है भाई यहाँ पे, ये दिल स्टूडेंट सोसाइटी का किस चीज़ की स्टॉल है भाई? ये हमारी कल्चर स्टॉल है। अच्छा कल्चरल ओरिजिन। अच्छा प्रेसिडेंट जी, वेलकम। हमारा प्रेसिडेंट है और फिजिक्स डिपार्टमेंट का स्टूडेंट है, सेवन सेमेस्टर का। जी हम आपको वेलकम करते हैं ये कल्चर स्टॉल में। बहुत शुक्रिया। तो भाई आप मुझे जरा अपने स्टॉल के रिलेटेड बताएं कि मैंने ये बोर्ड पढ़ा, मुझे समझ नहीं कि किस चीज रिलेटेड आपकी। एक्चुअली हमने कल्चर स्टॉल लगाया हुआ है। अच्छा। जो फेमस जीर की सारी जो चीजें हमने लगाई हुई है इसमें। वो भाई मुझे चाकू भी दिख रहा है, इसका क्या सीन है? वो बहुत मशहूर है चाकू। अच्छा रखते हैं लोग अपने साथ? हां बिल्कुल रखते हैं। नहीं नहीं खुश खुश के लिए, यानी मल्टे वाले काटने के लिए आप ये मल्टे रखे हुए हैं, तो इसके लिए चाकू भी चाहिए। सही है, चलिए। ये वो टोपी वगैरह भी, टोपी बिल्कुल, वो तो दिख गई है भाई टोपी। चलिए बुक्स भी है, ट्रैवल एंड फूड, ट्रैवल एंड फूड विदाउट, ये सारा कवर करें। ट्रैवल ये नक्शा दिखा रहा हूं, ये मैप है। आपने लिखा है? नहीं नहीं, इशारे कर रहे हैं, किताब पकड़ के ये कर रहे हैं। मैं हैरान हो गया कि इसने लिखी है किताब, बड़ा है यार। चले गुड गुड, अल्लाह कामयाब करे भाई। चैनल सब्सक्राइब करना है ट्रैवल एंड फूड के नाम से, ठीक है? ये कब? तो यरा उम्मीद है कल तक अपलोड हो जाएगा। भाई बंदे ने किताब पकड़ी है, ये कर रहा है। मैं भाई हैरान हो गया, ऐसे वेस्ट ये किताब लिख लिया था। खैर इधर आओ भाई, इधर आओ। ये चीज़ जो है यार, बिल्ली दिखाओ। मेरा चेहरा मत है जी, मैं कह रहा हूँ मेरा चेहरा मत। आप बेगम हो जाओ, बेगम हो जाओ। क्या नाम है? लूसी। लूसी, और ये ब्रीड कौन सी है? पर्शियन है? पर्शियन, पर्शियन है। एज क्या है इसकी यार? एज का कंफर्म पता नहीं है। अच्छा अच्छा चले ठीक है ठीक है। बोले मामा को देना था कि बेगम हो समझते हैं। अच्छा तो भाई बिल्लियाँ शिल्लियाँ भी लोग लेकर आए हैं अपने साथ। अच्छा तो भाई स्टॉल्स तो सारे हो गए हैं, यार समझ नहीं आ रही क्या करूं आगे। भूख लगी है लेकिन यार फिर भी आजकल मेरा थोड़ा जो है परहेज का सीन ही चल रहा है, क्योंकि मौसम भी चेंज हो रहा है, तो उधर सोराइसिस जो है ज़्यादा होने लगा है। Assalamualaikum, भाई बिग फैन, बिग फैन।
थैंक यू यार, थैंक यू। ये फैंस आप देख सकते हैं यार। तो पीरा तो यार ऐसे इवेंट्स होते हैं यार, इधर पे आप आएंगे एंजॉय बहुत ज़्यादा करेंगे, ठीक है, टेंशन फ्री हो जाता है बंदा ज़रा। अच्छा क्या ना अख्तर लावा। तो मैं तो यार भी सोच रहा हूँ अभी यहाँ से बाकी छुट्टी लेने का, क्योंकि स्टॉल्स तो सारे कवर कर ही लिए हैं मैंने, और बाकी जो परेज का सीन मेरा चल रहा है तो यहाँ पे तो यार मेरा कुछ गाने का सीन है नहीं माशाल्लाह। ये भाई भी क्यूट क्यूट हो। अच्छा आप भी आए ना यार, क्यों शर्मा आ रहे हैं यार, लड़की हो माशाल्लाह से जवान। अच्छा ये बताएं आप किसी यूनिक, आप भी यार एक बात बोल रहे हो ना, बताएं बताएं इधर से किसी को, किसी की लड़की में दम है ना तो आज हो मुझे क्यूट बंदे को बोलो के लिए। वाह सॉरी, क्या मतलब क्या समझ रखा तूने? आई एम सॉरी पापा, आई एम सॉरी पापा, आई एम सॉरी। अच्छा यार बस इंजॉय तो बहुत कर लिए हैं यहाँ पे, अब बाकी सोच रहा हूँ बस छुट्टी कर लूँ यहाँ से, ठीक है, घर की तरफ। तो बाकी चलते हैं बस यार, इतना ही काफ़ी था आज के लिए।